कोठी दे गेट दे मूहरे सुरक्षा लई खड़े पुलिस मुलाजम ते घर दे अंदर डर दे मारे दुबक के बैठा ए आरटीआई कारकुन। इस नाल जो कुछ होया उस करके ये हुण मॉडर्न हथियारां नाल लैस पुलिस सुरक्षा की मंग कर रहा है, क्योंकि इस नूं गैंगस्टर बिश्नोई वल्लों जानों मारन की धमकी भरी एक फोन कॉल आई है। कोई फर्जी नहीं बल्कि असली, जिस आवाज़ नूं लैब च मैच करवा पुलिस महकमे च भी तरथली मच गई है, जिस तो बाद पुलिस ने बिश्नोई के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दिती है। यह दावा कर रहा है खुद ए RTI कारकुन सिमरनजीत सिंह नां दा। एक RTI कारकुन जलंधर दे थाना बस्ती बाबा खेल अधीन आउंदे आदर्श नगर इलाके का रहने वाला है, जो कि RTI एक्टिविस्ट होने के नाल नाल प्रॉपर्टी का भी काम करता है। बीते दिन जब सिमरनजीत सिंह किसी काम लई चंडीगढ़ गया वापस जलंधर परत रहा सी, तां अचानक इस नूं एक धमकी भरी फोन कॉल आउंदी है। पहला सुनो वो फोन कॉल तो फिर थानू दस दें अगे खबर। हाँ जी हाँ जी बताइए भाई साहब, आप जलंधर शहर में जो कर रहे हो ना, आप कर ही जाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं ना। बात ये है कि हमारे दो मसले हैं। बताइए। एक 60 फुटी रोड वाली जो बिल्डिंग है ना, उसकी बयाने की कॉपी जो आपको वो वापस लेनी पड़ेगी। अच्छा जी। दूसरा धनाल गांव में जो पुट्टा और पुट्टा कंप्लेंट आपने पुलिस की है ना, वो आपको वापस लेनी पड़ेगी। ये दो हमारे मसले हैं। इसके अलावा आप शहर में जो मर्जी करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। नहीं आप मतलब लॉरेंस बिश्नोई के जो मासी का लड़का है वो बोल रहे हो? वो सचिन नहीं, मैं उसका सगा भाई बोल रहा हूँ। आपका क्या नाम है? अनमोल। अच्छा, अनमोल बिश्नोई। हाँ जी। तो भाई ऐसे है, वो तो वापस नहीं हो सकती दोनों। ठीक है फिर, ओके, हम आपको करके दिखा देंगे जो करना है। हाँ। अगर आपको बोलते ना, आपके आपके जीजा जी जो अवतार नगर में कार सेल परचेज का काम करते हैं, वो क्या कुछ नहीं करते, आपकी हिस्सेदारी सारे दो नंबर के काम की जो सारी हिस्सेदारी है उनकी, आप पता मुझे सारी हिस्सेदारी उनकी है आपके साथ। अच्छा, ठीक है ना। हाँ। चलो फिर, तगड़े होके रहिएगा आप। मैं तगड़ा हूँ, आपने जो गोली मारनी है मुझे बता के मारना, पीठ के पीठ में मत मार। बता कर थोड़ा मारने आएंगे आप? नहीं नहीं, वो बता तो के तो नहीं आएंगे, बता कर नहीं मारेंगे। बता के मत मारना, लेकिन पीठ में मत मारना। आगे से वार करना। की आवाज आएगी उसकी आगे कुछ नहीं आएगी। किसकी आवाज आएगी? इस मामले च सिमरनजीत सिंह का की कहना है, लाओ सुनो। मेरा नाम सिमरनजीत है, RTI एक्टिविस्ट जलंधर तो। मैं परसों की गल है, मैं चंडीगढ़ गया होया सी एक बहुत बड़े मुद्दे दे उते, मंत्री साहब नूं मिल के रीप्रेजेंटेशन दित्ती भी इहदी इंक्वायरी खिलाओ। उन्हां नूं जदों मैं मिल के वापस जलंधर आ रहा सीगा, तो रस्ते च कुराली दे नज़दीक पहुँचिया, जदों मैनू एक बाहर दे नंबर तो कैनेडा दे नंबर तो कॉल आती है। जदों मैं कॉल नू पिक करदा, वो कहिंदा सिमरनजीत बोल रहे हो? जदों ही मैं हाँ कहना, वो कहिंदा गंदी शब्दावली और गालां दी वरतों करता है। उस तो बाद मैं उन्हूं कहना, भाई साहब थोड़ा आराम से बात करो, अगर आराम से बताओगे तो पता लगेगा, क्योंकि वो हिंदी बोल। वो कहता है बाकी तुम जलंधर में जो मर्जी करी जाओ, लेकिन हमारे जब बंदे को छेड़ोगे तो तुमको ठोकेंगे। मैंने कहा ऐसी क्या बात हो गई, जो तुम बोल कौन रहे हो? कहता मैं लॉरेंस बिश्नोई का भाई बोल रहा हूँ, अनमोल बिश्नोई, जो कि थोड़ी देर बाद उन्होंने मैं दोबारा वेरीफाई किया। मैं जान बुझ के जो मैनू लगा मजाकिया जहा लगा, मैं क्या तुम उसके मासी के बेटे बोल रहे हो? कहता नहीं, वो सचिन बिश्नोई है, मैं उसका सगा भाई अनमोल बिश्नोई बोल रहा। मैनू थोड़ा जहा फिर सीरियसनेस लगी,
भी इहनूं उहदे मासी दे बेटे दा भी नाम पता है। और कई बार बंदा घबरा जांदा कि मासी दे मुंडा किहड़ा है उहदा किहड़ा नहीं है, जे कोई फेक हुंदा। मैनूं उत्थों इक आदेशा जिहा होया कि भी वाकई उहदे परिवार दे जिहड़ा भी बंदा बोलिया नज़दीक बोल रहा जिहनूं उहदे मासी दे मुंडे दा नाम भी पता, मैनूं ही नहीं पता हैगा, नैट ते भी किसे नूं पता एडा कि उह सचिन विश्नोई उहदे मासी दा मुंडा। मैं क्या तो आप चाहते क्या, कहिंदा 66 फुट रोड पे धनाल कलां रोड पे कलोनी है जिसकी तुमने शिकायत कर रखी है और उसको उसके ऊपर पर्चा दर्ज करने के हुक्म हुए हुए हैं, तुम उस शिकायत को वापस लोगे। मतलब ये नहीं कह रहा कि ले लोगे कि नहीं, वो आदेश दे रहा मैनू लोगे। और दूसरा तुम्हारे पास जो 66 फुट रोड की बिल्डिंग का बयाना है उसको तुम वापस करोगे, आदेश दे रहा जिता। मैं क्या अच्छा, मैं कहा भाई साहब ऐसे है ये काम तो नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। कहता अच्छा, फिर थोड़ा दलेर होके रहना, ऐदा कुछ उन्हें वर्ड हिंदी का यूज़ किया भाई। मैं क्या कोई बात नहीं, मैं दलेर हूँ भाई। कहता ठीक है, फिर सीधा गोली की आवाज़ ही आएगी। मैं क्या छाती पे मारना, पीठ पे वार मत करना। कहता बता के थोड़ी आएंगे। मैं कहा बता के मत आना चाहे, वो आप चोरी छिपे ही मारते हो, लेकिन वार छाती पे करना, पीठ पे मत करना। तो कहता ठीक है, तुमको जल्द ही पता लग जाए। उस तो बाद जी मैं कुराली थाने चला गया। उन्होंने भी यही गल की थी कि इदा दियाँ बड़ियाँ फेक कॉल्स आ रही हैं, तुहानू भी फेक कॉल आई, असी तुहाडी कंप्लेंट लिख लैने, इन्वेस्टिगेशन करा। बट जदों मैं कहिंदे जी रिकॉर्डिंग भेजो, बिश्नोई का नाम देखो बहुत वड्डा ए क्लास गैंगस्टर है। जदों उन्होंने रिकॉर्डिंग अपने IG SSP नूं DSP नूं फॉरवर्ड की ना, तो उन्होंने थोड़ी देर मैनूं बिठाया, तो कहिंदे असी वॉइस सैंपलिंग साढ़े को कुछ वॉइस सैंपल्स है उन्होंने असी वेरीफाई कर रहे हैं। मैं ठीक है कर लो। उस तो बाद 20 मिनट में ही ना पुलिस बड़ी तेज़ हो जाती है। SHO को इधर जा रहा है, फोन आ रहे इधरों उधरों, फोन आने लग गए उन्होंने एकदम ही, भी जिदा मैनू उन्होंने दसिया नहीं, बट इदा प्रतीत हो रहा सी कि सीनियर अफसर ने उन्होंने कहा भी जैनुअन बिश्नोई दी नाल वॉइस सैंपलिंग मैच हो रही है, तो इमीजिएटली FIR लॉन्च करो। मैंने SHO ने कहा जी इमीजिएटली असं FIR लॉन्च कर रहे हैं, तुसी बयान लिखाओ। जेडे कि बंदे पहले पुलिस अफसर कह रहे सी कि असी वेरीफाई करांगे, देख रहे हैं ये है वो है, वह बंदे तुरंत एक्शन च आ के परचा दर्ज कर रहे हैं। और उस तो बाद मैं कह रहे हैं तुम कले जलंधर नहीं जाना, असं इतों सिक्योरिटी भेजते पे हाँ, मुलाजम भेज रहे हैं, अपनी गड्डी भेज रहे हैं, स्पैशल असला भेज रहे, तुम घर छड़ गए। सब तो वड्डी हैरानीजनक गल यह है कि इतों छड़ के अफसर ना गल करा के गए ने, सवेर तो अगले दिन मॉर्निंग तो कोई बंदा अता पता लैन नहीं आया, कोई गलबात तो नहीं होगी कि बंदे ठीक ने, कोई थ्रैट तो नहीं आई। और मैं यही श्री भगवंत मान जिहड़े साढ़े चीफ मिनिस्टर ने, राघव चड्ढा जिहड़े एक्टिव रोल सरकार दे विच निभा रहे हैं, अते कमिश्नर माणयोग साढ़े जलंधर दे, जिन्हां नूं मैं अज मिल के भी आया और सारी गल हड़बीती दसी भी, मैं बीती है FIR की कापी है, और माणयोग DGP पंजाब गौरव यादव जी जिन्हां नूं मैं सारा ध्यान दे विच भी लियाता। उस दे बावजूद भी इन्हां ने जिहड़ी है एक सिटीजन, मैं कि जो कि विसल बलोर के तौर पर एक्ट कर रहा हाँ, सरकार के महकमे पूरी भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा, इन्हों मेरी सुरक्षा यकीन बनाने की बजाय एक फॉरमैलिटियां पे हुए हैं, एक कंप्लेंट दे दो, एप्लीकेशन दे दो, ए कर दो वो कर, जबकि इंटरिम प्रोटैक्शन इमीजिएटली देनी पैनी बनती है कि भाई थोड़े ना कोई हादसा ना हो जाए। अगे सिद्धू मूसेवाले इस सिस्टम के मार दिता गया, यही मैं अपील करता। सिमरन जी सी अज तक तुम आके ही बड़ी पाई तो कोई थर्ड नहीं आया जी, सिद्धू मूसे वाले के मर्डर तो बाद लगातार होर लोगों भी थर्ड आ रहे, इसनों तुम कि मानते हो? देखो पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब हुई हुई है इस टाइम, इस चीज़ के नाल बहुत एक खदशा होया होया, इंडस्ट्रीज बड़ी जड़ा है एक टेंशन च है, व्यापारी जोड़ा है वो भी टेंशन है भी वह व्यापार नहीं कर पा रहा। और एक जड़ा है इदा प्रतीत हो लग गया पंजाब मशहूर होना भी जड़ा जुर्म है। खैर हुण देखना यह है कि मामला दर्ज करन तो बाद पुलिस अगे हुण
की कार्रवाई करती है तो इस आर टी आई एक्टिविस्ट की सुरक्षा किवें पुख्ता कर पाती है। हकीकत टीवी पंजाबी लई जलंधर तो दविंदर कुमार की रिपोर्ट। बाबा यामीन बंगाली पंजाब दे नंबर एक तांत्रिक गोल्ड मेडलिस्ट बंगाल तो सिद्धि प्राप्त पक्का कम पक्का हल 101% गारंटी अष्टाम पेपर समेत सब तो पहला कम करन दा वादा नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी घर च झगड़ा बरकत औलाद कहने तो बार होना कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुप्त रोग पुराना दर्द पति पत्नी चनबन जादू टोना मनमोहनी वशीकरण करवाना जा तुड़वाना सौतन दुश्मन तो छुटकारा सदा लई रुसे नु मनाउणा प्यार मोहब्बत संपर्क करो बाबा यामीन बंगाली 96435032321।